हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि बच्चा अगर 2 साल का हो गया है तो उसे खाने को क्या क्या चीज़ देनी चाहिए। आपका बच्चा अगर 2 साल का हो चुका है तो हमेशा ही बच्चे को घर पे बनी हुई चीज़ ही खाने को दें। वह सब कुछ आप खिला सकते हैं क्योंकि 2 साल का बच्चा आराम से अपनी बात बोलने लगता है और उसके दांत भी आ जाते हैं ताकि वो आराम से चीज़ को चबा सके। आप उसे खाने में दलिया, खिचड़ी, सूजी की खीर, दाल, चावल, दाल रोटी को मैश करके दे सकते हैं। आप उसे शेक पिला सकते हैं, उबले आलू दे सकते हैं। इसके अलावा खिचड़ी में सब्जियां डालकर दे सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ आप उसके लिए पका रहे हैं और उसके अच्छे से ज़रूर गलाएं। चाहे बच्चे के दांत आ चुके हैं लेकिन बच्चा क्या करता है, हल्का सा चबाता है और उसे अंदर निकल लेता है, जो कि बच्चे के पेट दर्द का कारण बनता है या बच्चे को कब्ज हो जाती है या गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए जो चीज़ भी आप बच्चे के लिए बना रहे हैं उसे अच्छे से मैश करें। अगर आप उसे रोटी भी खिला रहे हैं तो भी उसे हल्का सा, ऐसे कह सकते हैं, हाथ से दबा कर ही बच्चे को खिलाएं और छोटी छोटी बाइट दें ताकि बच्चा उसे आराम से चबाए और फिर अंदर निकले, उसे हल्का सा चबा कर अंदर नहीं निकले। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को दिन में 2 से 3 बार दूध ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस टाइम बच्चे की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही होती है, उसकी हाइट लंबी हो रही होती है, वो बोलना इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो उस टाइम उसको कैल्शियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे की हड्डियों को कैल्शियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे दूध दिन में 2 से 3 बार ज़रूर दें। ये बहुत खास इन्फॉर्मेशन है जिनके बच्चे 2 साल के हो चुके हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज़ बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।